नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में एक रोचक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। पाकिस्तान में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, लोगों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। दरअसल पड़ोसी मुल्क में मुद्रास्फीति रिकॉर्ड 38% होने के कारण खाद्य कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति की दर मई 2023 में साल दर साल के आधार पर रिकॉर्ड 38% तक पहुँच गई है। ये दर जुलाई 1965 के बाद सबसे अधिक है। अमेरिका का ऋण सीमा संकट टल गया है। बुधवार को अमेरिकी संसद के जनप्रतिनिधि सभा US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऋण सीमा को बढ़ाने वाला बिल पास कर दिया है। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा था कि अगर अमेरिकी संसद 5 जून तक ऋण सीमा को नहीं बढ़ाती है तो अमेरिकी सरकार अपने खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाएगी। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB ने गुरुवार को कहा कि उसने अमेरिका के एक जासूसी अभियान का पर्दाफाश किया है, जिसके तहत आधुनिक सर्विलेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हजारों आईफोन हैक किए गए थे। मॉस्को स्थित कैस्परस्काई लैब ने कहा कि इस अभियान के दौरान उसके दर्जनों कर्मचारियों के फोन भी हैक किए गए थे। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय तट रक्षक और राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुरुवार को एक संयुक्त अभियान चलाया, जिसके कारण मन्नार क्षेत्र की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली 2 नौकाओं से लगभग 20.2 करोड़ रुपए मूल्य का 32.6 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है। ये खेप श्रीलंका से भारत में तस्करी कर लाई जा रही थी। 36 वर्षों में मई सबसे ठंडा रहने के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में जून माह की शुरुआत भी कम तापमान से हुई। दिन अपेक्षाकृत ठंडा रहा और बादल छाए रहे। हिमाचल प्रदेश में लगातार 3 दिन वर्षा होने के कारण जून में लोग गर्म कपड़े पहनने को विवश हो गए हैं। गेहूं के रिकॉर्ड खरीदारी के सहारे देश का खाद्यान्न भंडार फिर समृद्ध हो गया है। केंद्रीय पूल में गेहूं एवं चावल का संयुक्त बफर स्टॉक 579 लाख टन को पार कर गया है। इसमें गेहूं का 312 लाख टन और चावल का 267 लाख टन से ज्यादा का स्टॉक है। इस बार अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 264 लाख टन गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिर से 800 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। 300 और 500 करोड़ रुपए का ये कर्ज लेने की 2 अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। सरकार 300 करोड़ रुपए का ऋण 6 साल के लिए लेगी, जबकि 500 करोड़ रुपए का कर्ज आगामी 8 वर्षों के लिए लिया जाएगा। इन अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि ये कर्ज प्रदेश के विकासात्मक कार्यों पर खर्च होगा। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकार की प्रतिभूतियों को विक्रय किया जाएगा। सफल निविदाकर्ता 7 जून 2023 भुगतान करेगा। इस कर्ज को लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है। लोक निर्माण विभाग PWD में सूबे के ठेकेदारों का करीब 6000 करोड़ रुपए का भुगतान फंस गया है। 6 महीने से देय धनराशि का भुगतान न होने से ठेकेदार आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। बजट के अभाव में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कई सड़कों, पुलों और नए भवनों के निर्माण कार्य भी लटक गए हैं। नए टेंडर भी बजट के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार के समय PWD में जिन विकास कार्यों के टेंडर आवंटित हुए थे, उनमें से 75% कार्य टेंडर शर्तों के अनुसार नवम्बर और दिसंबर 2022 तक पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला में कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम के चालकों और परिचालकों को ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान के लिए 4.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों से HRTC के चालकों और परिचालकों को उनके भत्तों का भुगतान नहीं किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार ने ये राशि आवंटित कर अपने वायदों को पूरा करने की प्रतिबद्धता निभाई है। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि HRTC के विभिन्न कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने पिछले माह उनसे भेंट कर उनकी मांगों, विशेष रूप से ओवरटाइम और रात्रि भत्ते के भुगतान पर चर्चा की थी। अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की।
हिमाचल प्रदेश के पास वापस आने के बाद मंडी के जोगिंद्रनगर स्थित शानन पावर हाउस हर साल राज्य को 200 करोड़ रुपए कमा कर देगा। इसे पंजाब से लेने के लिए पड़ोसी राज्य की ना नुकर के बावजूद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर है। राहुल ने गुरुवार को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा कि मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूँ। गुरुवार से जून महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर महीने की तरह ये महीना भी कई बड़े बदलाव लेकर सामने आया है, जहां एक ओर गैस वितरण कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए 19 किलो की कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर कटौती की है, तो वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर महंगे हो गए हैं। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। एक बार फिर पौंग जलाशय पर्यटन की उम्मीदों से भर रहा है। इस लेख को आप आत्मनिर्भरता का मुकदमा शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुलदीप चंद अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया लेख नई संसद के बहिष्कार की राजनीति, भूपेंद्र सिंह द्वारा लिखा गया लेख प्रशिक्षक भर्ती व पदोन्नति नियमों में सुधार, और छिलकों की छाबड़ी में पूरन शर्मा द्वारा लिखा गया लेख किस्सा एक तालिबाज का आप संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। और अब अंत में एक रोचक जानकारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से भारत में 74% कर्मचारियों को नौकरी खोने का डर सता रहा है। भारत में किए गए सर्वेक्षण में 3/4 से अधिक लोगों ने कहा कि वे लोग चिंतित हैं कि AI उनकी नौकरी की जगह ले लेगा। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट ने गुरुवार को यह जानकारी दी गई है। माइक्रोसॉफ्ट वर्क ट्रेंड इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 90% भारतीय नियोक्ताओं का कहना है कि वे जिन कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं उन्हें AI के विकास के लिए नए कौशल सीखने की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के लगभग 1000 लोगों सहित 31 देशों के 31,000 लोगों के सर्वेक्षण पर आधारित शोध में पाया गया कि 74% भारतीय श्रमिकों का कहना है कि वे चिंतित हैं कि AI उनकी नौकरियों की जगह ले लेगा। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।